वेलकम यू ऑल इन द लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था सिस्टम ऑफ फोर्स, और यदि किसी बॉडी पे सिस्टम ऑफ फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उस फोर्स का रिजल्टेंट और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा था पैरेललोग्राम मेथड, एनालिटिकल मेथड और लामी थ्योरम और ट्रायंगल लॉ। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इस सारे पार्ट का एप्लीकेशन देखेंगे। इसका एप्लीकेशन कहाँ है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज इस लेक्चर में जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो जीरो से एडवांस लेवल होगा। जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 150 न्यूटन एंड 50 न्यूटन आर एक्टिंग एट ए पॉइंट, इफ द एंगल बिटवीन टू फोर्स इज 60 डिग्री, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। इट इज गिवन दैट जब सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे इट इज गिवन दैट, इस क्वेश्चन में जितने सारे डेटा दिया होगा उसे हम लिख लेंगे। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, F1 इक्वल टू 150 न्यूटन और F2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 50 न्यूटन और एंगल कितना दिया हुआ है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये डेटा को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, रूट ओवर F1 इक्वल टू 150 का स्क्वायर प्लस F2 इक्वल टू 50 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 150 इंटू 50 cos 60। इसे आप अपने कैलकुलेटर के हेल्प से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 180.27 न्यूटन। सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अलाउ होता है, इसलिए बिना टेंशन के कैलकुलेटर यूज कीजिए और आंसर को निकालिए। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। टू इक्वल फोर्स आर एक्टिंग एट ए पॉइंट विथ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री बिटवीन देम, इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू √3 न्यूटन देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। दो फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, देन उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और इसमें रिजल्टेंट भी उसका दिया हुआ है। तो जो डेटा गिवन है उसे लिख लेते हैं, इट इज गिवन दैट रिजल्टेंट इक्वल टू कितना है √3 न्यूटन एंड थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 45 डिग्री और फाइंड क्या करने के लिए बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू 5। दोनों फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो फिर से रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होता है, √
F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 F2 cos थीटा। यहां तक ठीक है? रिजल्टेंट इक्वल टू कितना है? √3 इक्वल टू √ओवर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2। और थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री। अब इसमें क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो ये √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और ये रूट हट जाएगा। इसमें आ जाएगा F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 45 डिग्री। अब इसको देखो, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2 F1 F2 दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, F1 इक्वल टू F2 है। तो क्या लिख सकते हैं? 3 इक्वल टू F2 के जगह पे क्या लिखते हैं? F1 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 2 F1 स्क्वायर प्लस F1 इंटू F1, क्या हो जाएगा? F1 स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 F1 स्क्वायर cos 45 डिग्री। यहां तक ठीक है? अब इसको लिख सकते हैं 3 इक्वल टू 2 F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 4 F1 स्क्वायर, सॉरी। अब इसको लिख सकते हैं 3 इक्वल टू 2 F1 स्क्वायर यहां पे भी है, 2 F1 यहां पे भी है, इसको कॉमन ले लेते हैं 2 F1 स्क्वायर को, इसको कॉमन लेंगे तो यहां पे बच जाएगा 1 और यहां पे क्या बचेगा? cos 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर 45y 2 लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे? देखो यहां 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा y 2, इसी को हम यहां पे लिखे हैं 1 प्लस cos 45, तो 2 cos स्क्वायर 45y 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? F1 स्क्वायर इक्वल टू 3y 2 इंटू 2 cos स्क्वायर 45y 2। तो F1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? रूट ऑफ 3y 2 इंटू 2 cos स्क्वायर 45 by 2। और इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू 1.75 न्यूटन। कैलकुलेटर निकालिए और इस वैल्यू को पुट कीजिए, ये आंसर आपको मिल जाएगा। आप ग्राफ चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स व्हेन दे एक्ट एट राइट एंगल इज 10 न्यूटन, वेयर एज दे एक्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री द रिजल्टेंट इज √ओवर 148। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स, ये दो फोर्स का मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करना है। दो फोर्स सिस्टम अप्लाई हो रहा है, एक थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, उसका रिजल्टेंट है 10 न्यूटन का, तो दूसरा फोर्स जो अप्लाई हो रहा है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, उसका रिजल्टेंट है √ओवर 148। तो क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया हुआ रहेगा उसे हम केयरफुली लिखेंगे
इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो गिवन दैट रिजल्टेंट वन इक्वल टू 10 न्यूटन एंड थीटा वन इक्वल टू 90 डिग्री, रिजल्टेंट टू 148 एंड थीटा टू इक्वल टू 60 डिग्री, सही है। अब यहां पे लेट करते हैं, लेट एज्यूम जो फोर्स कैलकुलेट करना है वह F1 एंड F2। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट रिजल्टेंट वन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर एफ वन स्क्वायर एफ टू स्क्वायर टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। अब रिजल्टेंट वन कितना है, 10 न्यूटन है, ये एफ वन स्क्वायर एफ टू स्क्वायर प्लस टू इंटू ये कॉस 90 तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। इसको इतना ही छोड़ देते हैं, टेन इक्वल टू रूट ओवर वन एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, इसको दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 100 इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, एफ वन स्क्वायर एफ टू स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन वन लेट कर लेते हैं। अब सेकेंड स्टेटमेंट से क्या कहता है, रिजल्टेंट टू है वो कितना है, रूट ओवर 148, रूट ओवर 148 इक्वल टू रूट ओवर एफ वन स्क्वायर एफ टू स्क्वायर टू इंटू एफ वन एफ टू कॉस 60 डिग्री। और इस इक्वेशन में कॉस 60 का वैल्यू रखेंगे कितना हो जाएगा, 1/2 होगा। इस 1/2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब जो बचेगा इसको क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 148 रूट ओवर 140 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 148 इक्वल टू यहाँ बच जाएगा एफ वन स्क्वायर एफ टू स्क्वायर प्लस एफ वन एफ टू, इतना बचेगा। इसको इक्वेशन टू एज्यूम कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, तो 148 माइनस 100 48, और ये एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ कितना बच जाएगा, एफ वन इंटू एफ टू एफ वन इंटू एफ टू बच जाएगा, यहां तक कोई डाउट नहीं है। इसको इक्वेशन थ्री मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन में थ्री इक्वेशन में दो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 टू से कितना 96 इक्वल टू टू एफ वन एफ टू, इसको इक्वेशन फोर मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इक्वेशन वन और इक्वेशन फोर को ऐड कर देते हैं, ऐड करते हैं। तो एडिंग
इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 4, तो 100 प्लस 96 कितना हो जाएगा? 196 इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2, यहाँ तक सही है। अब इसको देखो, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2, ये A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्म है। F1 प्लस F2 को होल स्क्वायर करेंगे तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 आएगा। तो 96 इक्वल टू क्या लिख देते हैं, F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, सही है। अब इसको F1 प्लस F2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 196। तो रूट ओवर 196 का क्या हो जाएगा, रूट इसका निकालेंगे तो 14 इक्वल टू F1 प्लस F2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या मान लें, फिफ्थ, चार इक्वेशन हो गया तो इसको पांचवा इक्वेशन मान लेते हैं। अब इक्वेशन फिफ्थ हो गया तो अब F1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहां से F1 इक्वल टू 48y F2 लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 14 F1 लिखते हैं 48y F2 प्लस F2, और यहाँ पे F2 को क्या करेंगे, LCM ले लेंगे हैं, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 14 F2 = 48 + F2 2। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, एक स्टेप हम कम कर दिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, F2² - 14 F2 + 48 = 0। यह मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, F2² - 8F2 - 6F2 + 48 = 0। फैक्टराइजेशन में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये दिक्कत होगा तो आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, कंफ्यूजन दूर कर देंगे। तो यहाँ से F2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, F2 - 8 आएगा, और यहाँ से -6 कॉमन लेते हैं तो आएगा F2 - 8 आएगा = 0। अब F2 - 8 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, F2 - 8 और F2 - 6 = 0। एक बार F2 - 8 को इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार F2 - 6 को इक्वल टू 0 करेंगे, तो F2 का वैल्यू जो हो जाएगा 8 और 6 न्यूटन हो जाएगा। यही जो मेरा अननोन फोर्स था उसका वैल्यू हमको फाइंड करना था। दो फोर्स कौन सा था, 8 न्यूटन का और 6 न्यूटन का बॉडी पे अप्लाई हो रहा था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फोर्स आर एक्टिंग एट ए पॉइंट एट पॉइंट ए एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। दो फोर्स एक पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है तो इस फोर्स का रिजल्टेंट और डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन दैट Q = कितना है, 150 न्यूटन
पी इज इक्वल टू 100 न्यूटन एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो रिजल्टेड आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, रूट ओवर पी का वैल्यू कितना है 100 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 150 कॉस 30। तो इस डेटा को अपने कैलकुलेटर में पुट कीजिए और आंसर लिखिए, जो आंसर आएगा ये रिजल्टेंट बताएगा न्यूटन का। तो आंसर भी बता देते हैं कितना है इसका, 241.82 न्यूटन। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं, टैन अल्फा इक्वल टू क्यू कॉस थीटा बाई पी प्लस क्यू साइन थीटा। जब पहले पैरेललोग्राम लॉ को हम लोग डिराइव कर रहे थे उसमें रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला डिराइव किए थे, टैन अल्फा इक्वल टू किए थे ना, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, क्यू इक्वल टू कितना है 150 कॉस 30 और पी 100 प्लस 150 इंटू साइन 30, टेन अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा टेन अल्फा इक्वल टू 0.7422। तो अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, टेन इनवर्स 0.7422। इस वैल्यू को कैलकुलेटर में पुट कीजिए और आंसर निकालिए, तो आंसर आप निकालेंगे तो कितना आएगा 36.58 न्यूटन, न्यूटन नहीं 36.58 डिग्री। जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट 36.58 डिग्री पे ये डायरेक्शन बताएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, थ्री फोर्थ ऑफ मैग्नीट्यूड 60 किलोन्यूटन 20 किलोन्यूटन 30 किलोन्यूटन आर एक्टिंग एट ए पॉइंट ओ एज शोन इन फिगर, द एंगल मेड बाय द 60 किलोन्यूटन 20 किलोन्यूटन एंड 30 किलोन्यूटन फोर्स विद एक्स एक्सिस, सारे के सारे फोर्स जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है 60 डिग्री का, 120 डिग्री का और 240 डिग्री का रिस्पेक्टिवली, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है। ये पॉइंट वो है, एक्स एक्सिस ये है और ये वाई है, एक 60 किलोन्यूटन का फोर्स लग रहा है 60 डिग्री पे, 20 किलोन्यूटन का फोर्स लग रहा है 120 डिग्री पे और 240 डिग्री का लग रहा है, मतलब 30 किलोन्यूटन का लग रहा है 240 डिग्री पे, और सारे एंगल जो दिया हुआ है वो एक्स एक्सिस से दिया गया है। तो गिवन डेटा को हम लोग लिख लेंगे, चल गिवन डेटा है एफ वन इक्वल टू 60 किलोन्यूटन, थीटा वन इक्वल टू 60 डिग्री, एफ टू इक्वल टू 20 किलोन्यूटन, थीटा टू इक्वल टू 240 डिग्री, एफ थ्री इक्वल टू 30 किलोन्यूटन, थीटा थ्री इक्वल टू कितना दिया हुआ है 240, ये थीटा टू है 240 नहीं है 120 है, 120 डिग्री है। अब इसे क्या करेंगे, सारे के सारे फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ब्रेक कर देंगे,
और उसका सम निकालेंगे। तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, F1 cos theta 1 प्लस F2 cos theta 2 प्लस F3 cos theta 3। इस सारे वैल्यू को पुट कर लीजिए, 60 theta 1 हो गया cos 60, F2 हो गया 20 किलो न्यूटन और theta 2 हो गया 120 cos 120 प्लस F3 कितना है 30 किलो न्यूटन है और एंगल कितना है theta 3 240 डिग्री है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 किलो न्यूटन। आप कैलकुलेटर में आंसर को पुट कीजिए, वैल्यू को पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अलाउ होता है। अब नेक्स्ट करते हैं समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन मींस वर्टिकल डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो ये कोऑर्डिनेट होता है वाई और ये एक्स, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और ये वर्टिकल डायरेक्शन। तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन कॉल्ड वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन को कैसे लिखेंगे, एफ वन साइन थीटा 1 एफ टू कॉस थीटा 2 सॉरी एफ टू साइन थीटा 2 एफ थ्री साइन थीटा 3। इस सारे वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, एफ वन इक्वल टू 60 किलो न्यूटन और थीटा 1 कितना है 60 है, तो साइन 60 और एफ टू का वैल्यू है 20 और थीटा 2 है 120 तो साइन 120, एफ थ्री है 30 किलो न्यूटन और थीटा 3 है 240 डिग्री तो साइन 240 डिग्री। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 43.30 किलो न्यूटन। आप कैलकुलेटर में वैल्यू पुट कीजिए, आपको ये आंसर मिलेगा। तो रिजल्टेंट जो आएगा आर इक्वल टू रूट ओवर समेशन ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इसमें आप पुट कीजिए और जो भी वैल्यू आएगा वो आपका रिजल्टेंट बताएगा न्यूटन में, ठीक है। इस वैल्यू को आप कैलकुलेटर में पुट कीजिए और इसका आंसर आप निकालिए, ठीक है, और कमेंट करके आप बताइएगा कि रिजल्टेंट कितना आया, उसके बाद मैं इसको क्रॉस चेक करूँगा कि आप लोग सही से कैलकुलेट किए गए। अब इसको डायरेक्शन फाइंड कर देते हैं, तो tan अल्फा इक्वल टू समेशन ऑफ एफ वाई बाई समेशन ऑफ एफ एक्स, इसको मोड के अंदर रखेंगे। मोड के अंदर क्यों रखेंगे, यदि इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा तो मोड हटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ एफ वाई कितना है 43.30 और एफेक्ट्स कितना है 5 है, तो अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं टैन इनवर्स 43.30 बाई 5 और इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 83.41 डिग्री, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, ए बल्ब वेट इज 5 न्यूटन, बल्ब का वेट 5 न्यूटन है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सेलिंग, सेलिंग से लटकाया हुआ है बाय ए रॉड, रॉड के हेल्प से,
इट इज पुल्ड ए साइड बाई हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल साइड में पुल किया गया है क्रोड अंटिल द रॉड मेक एन एंगल ऑफ 65 विद द सेलिंग एज शोन इन फिगर. फाइंड द टेंशन इन द रॉड एंड द क्रोड ऑफ अप्लाइंग लॉमी थ्योरम. टेंशन फाइंड करना है रॉड में लॉमी थ्योरम से. क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि लॉमी थ्योरम को आप अप्लाई कीजिए और रॉड में जो टेंशन लग रहा है उसे आप फाइंड कीजिए. जब क्वेश्चन में लॉमी थ्योरम दिया हुआ है इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, आप आंख मूंद के लॉमी थ्योरम को लगाइए, आंसर करेक्ट आएगा. तो इसका स्पेस डायग्राम बनाते हैं. सबसे पहले क्या बनाएंगे, स्पेस डायग्राम. देखो ये सेलिंग है और ये रॉड से बल्ब को लटकाया गया है, ठीक है, और ये कोड है और इस कोड को यहां से अप्लाई किया गया है और इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुल किया गया है. और इस तरह से पुल किया गया है, ये जो रॉड है इस सेलिंग के साथ 65 डिग्री का एंगल बनाए, यहां तक ठीक है. और जो बल्ब का वेट दिया हुआ है 5 न्यूटन का दिया हुआ है. इसका स्पेस डायग्राम बनाते हैं. तो देखो बल्ब को कोड से हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, क्वेश्चन में बताया गया है. तो बल्ब में क्या, कोड में क्या आएगा, एक टेंशन आएगा और बल्ब रॉड के साथ लटका हुआ है तो रॉड में भी क्या आएगा, एक टेंशन आएगा. जो कोड में जो टेंशन है इसको T1 कहते हैं और रॉड में जो टेंशन है उसको T2 कहते हैं. और बल्ब का वेट जो है से डाउनवर्ड लगेगा W=5 N का. अब इस स्पेस डायग्राम में एंगल को हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो ये एंगल जो दिया हुआ है कितना है, 65 डिग्री है, ठीक है. तो ये मेरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री है, ठीक है. अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो एंगल कितना 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है. तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा. तो ये 90 प्लस 65 कितना हो जाएगा, 155, कितना 155 हो जाएगा. तो कुल मिला के ट्राइंगल का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है. तो ये जो एंगल होगा कितना आ जाएगा, 155 प्लस 5 60 25 हो जाएगा, ठीक है. और ये मेरा एंगल 90 है. तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना हो जाएगा, 115 डिग्री हो जाएगा, 115 डिग्री हो जाएगा. अब पूरे प्लेन में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 360 का बनता है. 360 में से इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 155 डिग्री आ जाएगा. तो मेन जो इसमें कंसेप्ट है एंगल कैलकुलेट करना है. तो एंगल को अच्छे से आप लोग कैलकुलेट कीजिए ध्यान से, नहीं तो एंगल गलत हुआ तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा और सारा का सारा आंसर गलत हो जाएगा. नाउ अप्लाइंग लॉमीज थ्योरम. कौन सा थ्योरम, लॉमीज थ्योरम. लॉमीज थ्योरम को अप्लाई करेंगे. लॉमीज थ्योरम देखो T1 / जो टेंशन है T1 है इसके अपोजिट का एंगल कितना है, 155.
इट्स गिवन बाय साइन 155 इक्वल टू टी टू को लिख रहे हैं तो टी टू बाई इसका अपोजिट एंगल कितना है 90 तो साइन 90 इक्वल टू डब्लू ब्रेक पता है बलू का कितना है 5 न्यूटन का है तो डब्लू बाई इसका अपोजिट एंगल कितना है 115 तो डब्लू बाई डब्लू कितना है 5 न्यूटन है तो 5 by sin 115 अब यहाँ पे दो अननोन है एक T1 एक T2 तो T1 को फाइंड करने के लिए एक बार इसके साथ कैलकुलेट करेंगे T1 by sin 155 इक्वल टू 5 by sin 115 अब देखो इसको ये कहते हैं इसको डी कहते हैं और इसको सी कहते हैं नाउ इक्वेटिंग ए इक्वल टू सी इक्वल टू सी तो क्या हो जाएगा T1 by sin 155 इक्वल टू 5 by sin 115 2.34 न्यूटन का यह टेंशन आएगा अब ये तो हो गया अब T2 कैलकुलेट करना है तो नाउ B इक्वल टू सी कर सकते हैं तो T2 by sin 90 इक्वल टू 5 by sin 115 यहां से T2 कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 5.55 न्यूटन आप कैलकुलेटर में वैल्यू को पुट कीजिए और आंसर को क्रॉस चेक कीजिए तो आज इस लेक्चर में इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं और इस क्वेश्चन प्रैक्टिस इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को प्रेस कीजिए इस लेक्चर के रिकॉर्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल